शंभु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम 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 बिन तेरे हम तेरे क्या हाल चाल है मौज है यहाँ के लिए भगवान ने रियायत कर दी रजोगिरी में तो खूब बारिश और यहाँ बूंद भी नहीं रजोगिरी में तो बारिश धमाधम सुबह और यहाँ एक बूंद भी नहीं भगवान की लीला तो भगवान भी क्या कहें भगवान की लीला और भगवान के लिए तो राम न सके नाम गुन गाई भगवान की महिमा भगवान भी नहीं गा सकते तो तुम हम क्या गाएंगे महेंद्र त्रिपाठी ध्यान से सुनो राजगोपालाचार्य अपने मित्रों के साथ रामायण कथा सुनने जाते थे शाम को होती 2 घंटे रात्रि को वापस आ जाते होगा 7 से 9 का जो भी टाइम होगा राजगोपालाचार्य मुख्यमंत्री भी रहे थे मद्रास के और जब विद्यार्थी थे तो स्वामी विवेकानंद ने उनके स्कूल में बच्चों से प्रश्न किया बच्चे तो क्या जवाब दें मास्टर भी चुप रह गए राजगोपालाचार्य ने सही उत्तर दिया कौन सा प्रश्न था कौन सा उत्तर हुआ वो फिर कभी पहले बताया हुआ है ऐसे राजगोपालाचार्य रामायण की कथा सुनकर अपने मित्रों सहित रात्रि को गेस्ट हाउस में आराम करते थे कुछ दूरी पे था सत्संग की जगह से कुछ दूरी पे था गेस्ट हाउस 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे एक रात्रि को एक सिपाही आया 2:30 बजे रात को सबको जगाया और गंभीरता से कहा कि जल्दी आपको पहुंचना है पुजारी जी कोई खास बात के लिए आपको बुला रहे हैं देर न करो एकदम जल्दी चलना है क्यों कैसे मत सोचो निकलो बाहर जल्दी चलो कहने वाले का ऐसा कुछ सिपाही के रूप में कौन था उसका पता तुम लगा सको तो लगाना लेकिन वे सब के सब सिपाही की आज्ञा के अनुसार जल्दी से जल्दी रात को 2:30 बजे निद्रा छोड़ के पहुंच गए पुजारी के पास और पुजारी तो गहरी नींद में राजगोपालाचारी जैसे आदमी के साथ ऐसा धोखा वो कौन था सिपाही पुजारी बुला रहे पुजारी बोलता मुझे तो पता भी नहीं और आप जैसे हस्ती को रात को 2:30 बजे मैं क्यों बुलाऊंगा तुम बड़े ऑफिसर हो 1.25 करोड़ रुपया
125 करोड़ रुपया महीने में खर्च करते हो सरकार की ट्रेजरी का कुशल व्यवस्था करते हो, लेकिन इस सवाल के जवाब में कुशलता दिखाओ। महेंद्र तिवारी त्रिपाठी, खड़े हो जाओ, राम राम करो सबको। ये तुम्हारे गुरु भाई है, मंत्र दीक्षा लिया, प्रमोशन पर प्रमोशन, 125 करोड़ रुपया हर महीने इनकी साइन से खर्च होता था, अब उससे भी ऊंचा पद मिल गया दूसरा कुछ। महेंद्र त्रिपाठी जी हाथ ऊपर करो, इनके अनुभव आध्यात्मिक बहुत विलक्षण है। हरिओम। अच्छे अच्छे लोग भी, ऑफिसर भी इनका बड़ा आदर करते। बैठो। जब से दीक्षा लिया तब से चमत्कार पे चमत्कार आ रहे हैं इनको। ये 125 करोड़ का तो अधिकारी बन गए महीने में, 1500 करोड़ साल में खर्चा करने का, और विश्वास संपादन कर लिया, ये तो बहुत तुच्छ बात है। प्रधानमंत्री बनना भी तुच्छ बात है, ऐसा उनको अनुभव हो गया, हो रहा है। आत्मा परमात्मा की सत्ता महत्ता और निकटता का अनुभव हो रहा है इनको। आज ध्यान से सुनना सब लोग जो खड़े हैं, घूम रहे हो। हरिओम नारायण हरि। ओम 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 ओम। मन में जपो भगवान का नाम, हरि ओम ओम प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम दाता ओम ओम सुहृद ओम ओम साक्षी ओम ओम रक्षक ओम ओम प्रेरक ओम ओम सर्वसमर्थ ओम ओम सर्वहितकारी प्रभु ओम ओम। सेवा करके प्रसन्न होने वाले प्रभु ओम ओम, देकर प्रसन्न होने वाले ओम ओम, सुरक्षा करके प्रसन्न होने वाले हरि ओम ओम ओम, पोषण करके प्रसन्न होने वाले प्रभु ओम ओम ओम, लुटा लुटा कर लुटा रहे, फिर से लुटा रहे, फिर भी पूर्ण के पूर्ण प्रभु ओम ओम ओम। दाता ओम हरि ओम, अंतर्यामी ओम, गुरु रूप में बरसो, चाहे सेवक रूप में बरसो, चाहे स्वामी रूप में बरसो, लेकिन बरस ही बरस रहे आप जितना जानते हैं हमारा मंगल करना, उतना हम तो क्या, हमारी बाप दादा 7 पीढ़ियां भी नहीं जानती हमारा मंगल जितना आप जानते हैं प्रभु। सिपाही के रूप में क्या किया आपने, रात को 2:30 बजे गेस्ट हाउस से जगा के ले गए पुजारी के पास, और पुजारी के पास पहुंचे न पहुंचे और सिपाही गायब। पुजारी को जगाया, भाई क्या बात है, राजगोपालाचार्य ने कहा हमको 2:30 बजे रात को आपने बुलाया है, तो महाराज क्या आज्ञा है। आस्तिक आदमी थे, हम तो आपका कथा सुनकर रात्रि को चर्चा करते करते सो जाते और सुबह उसी चर्चा के भावों में होते हैं। अब आपके मन में क्या आया हमारे ऊपर कृपा बरसाने का, तो हम भी जल्दी जल्दी आ गए, क्या आज्ञा है। बोले मुझे तो पता ही नहीं, आप ही ने हिला हिला के जगाया, तो आपको किसने भेजा इधर। बोले सिपाही भेजा था आपने। बोले वहाँ हमने कोई सिपाही नहीं भेजा था, सिपाही को ढूंढे तो सिपाही नहीं मिले, चारों तरफ खोज किया तो सिपाही कहाँ गायब हो गया। अब राजगोपालाचार्य जैसा आदमी चीफ मिनिस्टर, उनको सिपाही बुलाए और दौड़े दौड़े जाए और फिर सिपाही मिले नहीं, आप सोचो सीएम ने कितना जोर मारा होगा रिसर्च करवाने में, सिपाही मिला ही नहीं। लेकिन एक बात मिली,
कि जो ही ये बाहर निकले पुजारी तक पहुंचे उस उतनी देर में तो जोरों की बारिश हुई, बादल फटा, बिजली गिरी बादलों की और वो सारी बिल्डिंग गेस्ट हाउस ध्वंस हो गया, गेस्ट हाउस नष्ट हो गया, मलबे में बदल गया। अगर सिपाही के रूप में जो भी आया मैं तो समझ गया, अब तुमको समझना हो तो समझ लो, जो भी आया सिपाही के रूप में जहां से आया वहां समा गया। लेकिन अपने भक्तों की रक्षा करने में क्या कर सकता है उसके लिए सोच विचार करने वाले की बुद्धि चकित हो जाती है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, करने में समर्थ और न करने में भी समर्थ। बरसात की सीजन है नहीं गिरा रहे तो नहीं गिरे बारिश, ठंडी की सीजन है ठंडी नहीं पड़े तो नहीं पड़े, गर्मी है गर्मी कम पड़े नहीं पड़े, उसकी मर्जी की बात। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, अन्यथा करने में भी समर्थ है। अगस्त के महीने में गोधरा जा रहा था हेलीकॉप्टर मोरबी से, उतरने के पहले 100 फुट ऊपर से नियंत्रण खो बैठा और धड़ाक धुम मुंह के बल से हेलीकॉप्टर गिरा, पर खच्चे उड़ गए और भीड़ के बीच और पीछे का हिस्सा पर खच्चों से कटा और वो भी टुकड़ा टुकड़ा होकर उड़ा और आगे मुंह के बल से हेलीकॉप्टर गिरा, वो तो फोटो देखे होंगे, और आगे हम बैठे थे। अन्यथा कर्तुम शक्यम, साइंस तो ये कहती है कि मुंह के बल से हेलीकॉप्टर गिरे, आग की लपटें निकले और पब्लिक के बीच में गिरे तो कितनी मौतें हो सकती है वो गिन के नहीं बता सकते, लेकिन मौतें हुई होगी। प्रतिभा पाटिल का तुरंत फोन आया, मैं ले नहीं पाया, फिर रात्रि को मैंने बात किया, जो राष्ट्रपति बनी थी देवी, बापूजी आपको प्रणाम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सब बोले। मैंने एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों से पूछा, अपनी जो देश की राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने बोला इम्पॉसिबल है मैडम, हेलीकॉप्टर क्रश हो जाए और आदमी अंदर बैठे उनको खरोजना है फौज के आला अधिकारियों ने कहा इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे बापू को तो कुछ भी नहीं लगा और उनके सहयोगी को तो। अन्यथा कर्तुम शक्यम है ना कोई शक्ति। फिर वही अगस्त का महीना, बापू का तो हो गया अन्यथा कर्तुम शक्यम, बापू का बेटा गोधरा से अहमदाबाद मोटेरा के पास लैंडिंग करना था, कांकरिया अहमदाबाद में जिसने देखा सुना है हाथ ऊपर करो कांकरिया, कांकरिया बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांकरिया पार करके मोटेरा में उतरना था उसको, तो कांकरिया के ऊपर से साइलेंसर में से फटाक कुछ आवाज आया, फिर देखा कि गड़बड़ हो रही है, एटीसी में बोझा कि हम तो अब जहां हमारा हेलीपैड है वहां नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं भी उतरने की इजाजत दे दो। उन्होंने कहा ओके हो गई है नियम है। तो गोमती नगर शमशान के मैदान में हेलीकॉप्टर क्रश हुआ, टूटा फूटा गिरा और नारायण और नारायण के साथ वालों को भी नहीं लगा। ये अन्यथा कर्तुम शक्य। मैंने कुछ वर्ष पहले नारायण जब प्रसिद्धि के चक्कर में नहीं गया था तो आज्ञाकारी था, अब थोड़ा मतलबकारी आज्ञाकारी मिश्रित है, चमचों ने और उसकी वासना ने उसको थोड़ा रुकावट डाल दी। मैंने कहा जा बेटा बद्रीनाथ, कोई सामान न ले जाओ, कोई सहयोगी साथी नहीं, रुपया पैसा नहीं,
पैदल जा, भूख लगे तो अपने आप जो भी होगा वो जाने, उसके हवाले जा। और उसने मेरी बात मान ली और बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा तो उसने बताया कि मैं निकला थोड़े ही समय के बाद कोई अजगैबी लड़का मेरे साथ हो गया और सारी मेरे खाने पीने की व्यवस्था करता रहा। और आते आते मैं कहा चल साईं के दर्शन तो कर ले, तो इतनी मेरी सेवा करता, मैं तो समझा कोई सेवक है। लेकिन इधर आने के पहले जहाँ से आया वहाँ कहाँ चला गया साईं पता नहीं, लेकिन मेरी सेवा बहुत बढ़िया की उसने। अब सेवक के रूप में कौन था मैं तो नहीं बता सकता हूँ, वो भी नहीं बता सकता, उसका बाप भी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी ईश्वर की लीला तो ईश्वर ही जाने। श्रीखंडी के रूप में एकनाथ की सेवा करने वाला भी वही का वही, और शबरी भेलन के झूठे बैर खाकर सराहना करने में भी कोताही नहीं करने वाला भी वही का वही, कृष्ण बनकर लीला करने वाला वही का वही। हे प्रेम देवता और हे अहंकार देवता, अहंकार देवता तुम आदि भौतिक में उलझाते हो और प्रेम देवता तुम परमात्मा से मिलाते हो। लंकापति रावण उलझाया रावण को, मैं मथुरा का कंस हूं उलझाया, मैं तो राम हूं दशरथ का बालक, संतों का सेवक हूं मैं कृष्ण। ये प्रेम देवता की प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं। ओहो बाप रे बाप, प्रभु 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 ही हो। दो जवान साधु और दो कुछ बड़ी उम्र के, चार साधु चले, चलो अब हिमालय की यात्रा हो गई, अब यहाँ बारिशें भी होने लग गए, चलो वृंदावन जाया जाए। वृंदावन तक की यात्रा चारों साधुओं ने की। फिर युवक साधु ने कहा हमको तो बरसाना जाना है बाबा चलो। हाँ वो बाबा लोग वृद्ध थे, बोले भाई कहाँ बरसाना जाएंगे, बरसाना वाली जिसकी है उसके धाम में रहेंगे। बोले उसके धाम में तो आ गए, अब बरसाना वाली के धाम में हम जाएंगे। दो जवान साधु चल पड़े, कैसे खाओगे क्या करोगे, बोले अब राधा रानी का तो जन्मदिवस के दिन है तो हम उनके मेहमान हैं, हम तो अब राधा रानी के मेहमान हैं। इसी में इनका भला है तो दूसरे मूर्ख भी। तो शाम की आरती हुई, बाबा लोग पहुंच गए, तो आरती में तो जरा जरा चुटकी चुटकी प्रसाद और चरणामृत। साधु ने कहा माई के तो मेहमान है, अब जो खिलाए वो चरणामृत और एक चपटी होगा, चपटी मतलब हथेली भी दो चार ग्राम जो भी आया।
साधु लोग तो संतोषी, चलो माई जो तेरी मर्जी, हम तो तेरे मेहमान थे। और साधु लोग सो गए, साधु तो सो गए लेकिन माई की नींद आराम हो गई। बोले ओ माई कौन सी, राधा रानी। आए पुजारी को डांटा, कैसे पुजारी, खुद तो खाया पेट भर के दिन भर, तो रात को तुम नहीं खाए तो मेरे मेहमान भी नहीं खाए, वो दो साधु सोए बरामदे में, जाओ ये मोहन भोग है ये वो दो, जो कुछ पड़ा है खूब, यहाँ भोजन पड़ा है बचा है, और वहाँ साधु भूखे हो रहे, कैसे हो तुम। वो पुजारी हाथा जोड़ी करे, स्वप्न आया है, माता जी डांट रही है, मैया रानी जी डांट रही है, महाराज माफ करना। रात को 10 बजे 10:30 बजे साधुओं को उठा के जगा के जो कुछ व्यंजन आदि थे खिलाया, साधु टहल मेल के जय मैया राधा रानी। ओ है भैया कैसी नींद आ गई, साधु मजाक में टोंट मारते हुए, कैसा ख्याल रखती हो बच्चों का, है भैया है भैया है राधे, ओ राधे राधे। देखा हमारा वो पुजारी को स्वप्न देखे हमको खिलाने की, उसको गरज कैसी पड़ी है ना। राधे 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 श्याम से मिला दे राधे रानी, माँ को प्रेम करते करते आदि शक्ति है वो। लेट गए तो बड़ी अच्छी नींद आई, नींद आई लेकिन राधा की नींद तो आराम थी। और फिर प्रभात को सपने में आई, ओ ओ पुजारी ने डांट सह के भोजन तो सब व्यंजन कराया लेकिन भोजन के बाद पान बीड़ा देना चाहिए वो भूल गया, मैं खुद ही ले आया हूँ महाराज, ये लो पान पान बीड़ा खाना। दोनों साधुओं को एक टाइम सपना दिया और पान बीड़ा रख के, अच्छा मैं जाती हूँ महाराज आप खा लेना, हैं हैं करके एक साधु उठा तो उसकी हैं से दूसरा भी उठा। और दोनों देखते के तकिए के पास वो पान बीड़ा का पुड़ी का पड़ा है, खोला तो पान बीड़ा ही है, बरसाना की जो पान बीड़े की परंपरा हो गए। साधु ने देखा कि मरे कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो और क्या विलक्षण कर सकते हो, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। जब नानक दास बन के कुर्बान हो रहे तो तेरी मेरी क्या बात है, ओ मेरे रब तू की रूप लेंदा है, कैसे कैसे प्रेरणा करदा है तू जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ए फल साधन ते न होई, ए कोई बल से अकल हुशारी से अथवा देखें क्या होता है इससे नहीं होता है, तो उनका होकर जो भजन करता है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है उसके बुद्धि में योग मिल जाता है, समता आ जाती, संकल्प विकल्पों की व्यर्थता चली जाती तो फिर संकल्प साकार हो जाता है, चाहे बरसाना वाली खिलाए चाहे बापू की नहीं दम मार के बैठ जा। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, जो ही मन विचार लाए क्यों ही दो किसान वहां, दोनों सिर पर बांधे सा बोले जीवन सफल है,
दम मारने वाले के आगे बोलते जीवन सफल है, भगवान को दम मार के बैठे और उनके पास लाने वाले बोलते हमारा जीवन सफल है। अरे भाई तुम्हारा कोई और साधु होगा, बोले महाराज सपने में आप ही को देखा, पगडंडी भी देखी, अब हमको तो सुबह भूख लगी और सुबह दम मारा, लेकिन हमारे दिल भर को पता था कि ये सुबह पट्टा दम मारेगा तो सुबह सपने कैसा दूंगा, तो रात को 3 बजे सपना दे के रास्ता दिखा दिया। मेरे मन में विचार आएगा तो मुझे तो पता नहीं था 5 बजे भी, लेकिन मेरे दिल भर को पता था कि पट्टा ऐसा है बोले दम मारेगा, दम मारे तो भी है तो अपना ना वही चलो पहुंचा दो, ऐसा चिढ़ता नहीं कि दम मारा है तो जा भूखा मर दे, नहीं नहीं उसकी ताकत नहीं भूखा मारने की, माँ को दम मारे नहीं खाना है जाओ तो क्या माँ की ताकत है बेटा भूखा रह जाए और माँ खा के आराम से सोएगी, उसकी ताकत नहीं है। ऐसे माओ की माँ है बापों का बाप, बोले जीवन का मजा तो इन्हीं लोगों को है जो भगवान से अपना नाता याद करके जीते हैं। आपका और भगवान का यह नाता शाश्वत है और आपका और शरीर का नाता नश्वर है, आपका और परमात्मा का संबंध अखंड है और आपका और संसार का संबंध खंडित है। अगले जन्म की पत्नी के साथ का संबंध खंडित हो गया, अगले जन्म के पति मित्र कुटुंब शरीर सब छूट गया, लेकिन अगले जन्म में जो चैतन्य था वही अभी है और इसके बाद भी वही रहेगा। तो चैतन्य चैतन्य दो नहीं होते, चैतन्य एक है, व्यापक है, विभू है। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं आपको सार सार बात सुनाकर एकदम आध्यात्मिक उड़ान भरना चाहता हूं। एक होता है आदि भौतिक जगत जो आंखों से आप हम सब देख रहे हैं, इसको नकारा नहीं जाता और इसके विकास का इनकार भी नहीं किया जाता। आदि भौतिक जगत में भले विकास करो, लेकिन आदि भौतिक जगत के विकास के साथ अगर अध्यात्म ज्ञान नहीं है, भगवत प्रसाद या बुद्धि नहीं है, तो आदि भौतिक जगत का विकास विनाश के कगार में धकेल देगा। युद्ध लड़ाई महामारी प्राकृतिक प्रकोप ये वो सब, और हेलीकॉप्टर प्रकोप में भी आध्यात्मिकता है तो सुरक्षित हो जाते हैं, दूसरी जगह भी सुरक्षित हो जाते हैं, शूली में से कांटा हो जाता है। तो आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक और तत्वज्ञान ये चार स्तर हैं। तो आदि भौतिक जग शरीर आदि भौतिक संसारी चीजें इनकी आवश्यकता नश्वर शरीर और नश्वर संबंधों तक ही सीमित रखो। आपका वास्तविक मांग पूरी नहीं कर सकेगा आदि भौतिक जगत, चाहे सोने की लंका बना लो फिर भी तृप्ति नहीं देगा। हिरण्यकश्यपु ने सोना का हिरणपुर बना लिया, तृप्ति नहीं मिली तो अहंकार से तृप्ति लेने में लगे, मैं ही भगवान हूं, भगवान सो कुर्सी के, भगवान को कुर्सी से हटा के खुद ही बैठ गया पट्टा। भगवान ने कहा ले ले थोड़े दिन मजा, तप किया है तो मैं हिरण्यकश्यप एकमात्र परमात्मा हूं, और परमात्मा को भी अकेला बैठने में बोर हो जाते होंगे, वो भी छेड़खानी किए बिना नहीं रहते, तू ही परमात्मा है तो हो, तेरा तप है। हाय मन में क्या सुझाई इंद्र का आवाहन किया और संकल्प किया नन्ना खिलौना बन जाए, नन्ना बबलू बन गया, इंद्र नन्ना बबलू हो गया, ले बेटा पहला जिसे खेल देख, 33 करोड़ देवताओं से पूजित इंद्र को मैंने बबलू बना दिया खिलौना,
वरुण आगच्छ, वरुण आ गए मेघों के स्वामी। जब भी प्यास लगे पानी भर के पिलाया करो, मेरा बेटा पहला आज। कुबेर को बुलाया, लगा दिया सेवा में। देखा बेटे प्रहलाद, हिरण्यकश्यप मात्र एकमात्र भगवान है। वो हा हा करने की सत्ता भी वही दे रहा है, बेटा ले ले मजा। तुम भी करो, तुम्हारे बाप का क्या जाए। ये इंद्र बबलू है, वरुण और कुबेर तेरी सेवा में, मेरे बेटे की सेवा में। मैं साक्षात भगवान, नहीं तो और कौन भगवान है। भगवान उसकी हाहा का भी मजा ले रहे। और फिर भगवान ने उसी के घर में प्रहलाद को अवतरित कर दिया। और प्रहलाद नारद जी का सत्संग गर्भ में था तभी सुना, और पढ़ने भेजा। और फिर बेटा क्या पढ़ के आया, मास्टर ने क्या पढ़ाया? बोले मास्टर तो क्या क्या गंदगी पढ़ा रहे थे। पढ़ता है तो मन याद करता है, तो बुद्धि निश्चय करती है। इनको देखने वाला सर्वव्यापक श्री नारायण, सर्व क्या उसी नारायण का ज्ञान, सर्वम अधितम तेना, उसने सब अध्ययन कर लिया। तेना सर्वम अनुष्ठितम, उसने सारे अनुष्ठान कर लिए। ये न आशा पृथक कृत्वा, जिसने आशा वासना छोड़ दी, न निराशा अवलंबितम, उस नारायण में ही आशा रहित होकर, आशाओं का गुलाम नहीं, आशाओं का राम होकर, ये मैंने मिलाया पहला दिन नहीं, विश्रांति पाता है उसका, सब कुछ हो गया। भाई कौन नारायण? बोले नारायण सर्वेश्वर भगवान परमात्मा, नर नारी काय आत्मा नारायण है। पहला मैं एकमात्र भगवान हिरण्यकश्यप हूं। जब भी पिता पूछे तो वो तो वैदिक भगवान तत्व रूप से जो भगवान अनेक रूप है उनकी बात करे, और ये अहम रूप में अपने को भगवान साबित करे। ऐसे करते करते कई उतार चढ़ाव आए, आखिर खफा हो गया, फेंक दो इसको पानी में। अब पानी के रूप में भी तेरी सत्ता है और शरीर में भी पानी है। लेट गए शवासन, वैसे भी डूबता नहीं आज, पहाड़ी से गिराया तो चोट नहीं लगे, सारे उपाय किए। आखिर अपनी बहन को बोला कि हे होलिका, तुझे तो अग्नि देवता ने वरदान दिया है, तू जलेगी नहीं आग में। और कई जगह पर आग की लकड़ियों के ढेर करके उस पे बैठ जाती है, चारों तरफ मसालों से आग लगाई जाती है, और तू फिर आग से अप्रभावित होकर निकलती है, और लोग तुझे पूजते हैं, होलिका माँ होलिका माँ होलिका, ये समझ। अब तू काम कर, ये प्रहलाद राज्य उद्यान में भेजता हूँ, जाओ बगीचे में सैर करो। तो मोरों के पंख देखकर बोलता है, भगवान तेरी कैसी लीला है, एक इतना सा अंडा उसमें कितने रंग छुपे हैं, कितने पंख छुपे हैं, भगवान तू सर्वज्ञ है। पक्षियों को देखता है तो उसमें की लोल करने की तेरी सत्ता। मुझ भगवान को भूलकर काल्पनिक भगवान के लिए कहीं फुवारे और झरने देखता है तो तू जल होकर बह रहा है, ब्रह्म है तू। अनेक रूप रूप आए तस्मय से प्रभवे नमः, प्रभवे नमः करता है, हिरण्यकश्यप वे नमः नहीं करता। ये नाम और रूप है, वास्तव में तो उसके अंदर भी वही प्रभु है, लेकिन भगवान लीला करके बताते हैं अवतारों के द्वारा। चारों तरफ मशालची आग लगाएंगे, और तू प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाना, यो तो जल मरेगा, कुल का कलंक, और तू तो ज्यों की त्यों निकलेगी, तेरा यश और भी करवा दूंगा। ठीक है भैया,
बुआ जी लेकर प्रहलाद को गोद में बैठ गई लकड़ी के ढेर पर और मिट्टी तेल ये वो लगा के चारों तरफ भभुक 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 आग ने लपटे ली। देखते देखते जिसको वरदान मिला था अग्नि देवता का तू नहीं जलेगी, उसको अग्नि देवता ने गुस्से में जला दिया कि भगवान में स्थित व्यक्ति को तू जलाने आई, तो तेरा वरदान कैंसल और प्रहलाद को जीवन दान दे दिया। प्रहलाद ज्यों के त्यों निकले। अब मैं जब 4-5 साल का था, हो सकता है 6 का भी हूं, तो मेरी माँ ने होली जलाते समय मेरे को बोला इधर आ। ऐसा नहीं बापूजी इधर आओ, ये तो अभी हो गया है सब खम्मा खम्मा, इधर आ देख आटे की रोटी बनाई, रोट बनाया मोटा और उसको गांधी जी पहनते हैं सूत की माला, ऐसा कच्चा सूत दाएं से बाएं और उत्तर से दक्षिण, मतलब रोट के 4 हिस्से हो जाए ऐसा धागा अच्छी तरह से लपेटा। बोले ये रोटी तो है होली का, ये तो जल जाएगी सिक जाएगी, और ये कच्चा धागा है प्रहलाद का प्रतीक, देख होली में डालती हूँ, धागा ज्यों का त्यों रहेगा और रोटी काली कलूट हो जाएगी, जल जाएगी पक जाएगी। मैं क्या ये कैसे हो सकता है? बोले देख होता है ना। मैं क्या अच्छा जब निकालो तो मेरे को बुलाना। बोले तू बैठ इधर ही देख, अभी अभी वो गोबर के कंडे थे और ये वो ना इधर उधर गए, फिर आके बैठते, फिर आके बैठ और चिमटे से निकाला तो वो रोट तो काला कलूट और कच्चा धागा ज्यों का त्यों। मैं क्या हूँ ये कैसे? एक बार प्रहलाद को बाप ने कहा अब तू बेटा 10-11 साल का हो गया है, अब तुम पढ़ाई में तो ये विष्णु विष्णु ले बैठा है, दिन को तो मैं राज्य करता हूँ, रात को तू चक्कर मारा कर प्रजा की रक्षा के लिए, 2 अंग रक्षक भी साथ में होंगे, तू चक्कर मारा पर घोड़े कर। और प्रहलाद ने चक्कर मारना शुरू किया तो एक रात को देखता है कहीं आग भभुक भभुक कर रही है, है आग भभुक भभुक कर रही, घोड़े दौड़े तबड़ाक 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 तबड़ाक, जल्दी जल्दी दौड़ाए घोड़े को, देखा तो एक कुंभार हाथ जोड़ के आंसू बरसा रहा है। बोले ये तो तुम्हारा नेवा है ना, क्यों हाथ जोड़ रहे हो, क्यों आंसू बरसा रहे हो? बोले मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हम लोग तो नादान है लेकिन तू समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम तू शक्य है प्रभु। बिल्ली ने दिए थे मटके में बच्चे, कच्चे मटके थे सुखाने के लिए रखे थे, जब आग लगाई उसके पहले हमने सोचा कि वो मटका निकाल देंगे, बिल्ली के बच्चों की रक्षा करेंगे, लेकिन वो आग लगाने के पहले एक दूसरे पर भरोसे पे रहे, चारों तरफ आग ने लपटे लिया, फिर याद आया कि वो मटका जो बीच मटकों के बीच जो बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे सुरक्षा हेतु, वो तो हमने निकाले नहीं। अब हमारे हाथ की बात नहीं कि मटकों के बीच से वो बच्चों को निकाले जिंदा करे या रखे, लेकिन अब जिसका सामर्थ्य अवर्णनीय है उसी का दर खटखटा रहे कि प्रभु तू चाहे तो उनको बचा सकता है। नेवे में चारों तरफ आग लपटे ले रही है और मिट्टी पक जाती है, लेकिन तू चाहे ना तो वो मटका कच्चा रख सकता और बच्चों की रक्षा कर सकता है। दीन बंधु दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरे को इस पाप से बचाना और निर्दोष म्याऊं म्याऊं वाले बच्चों की रक्षा करना। हे हरि हे गोविंदा हे गोपाल हे प्रभु हे दीन बंधु। वो कुंभार भक्त था कुंभारण, दोनों की आंखें गीली हो रही थी, पहला आज टकुर टकुर देखता है। बोले चारों तरफ आग और फिर बिल्ली के बच्चे। बोले राजकुमार भगवान के लिए क्या असंभव है,
गूंगा बोल सकता है, पंगू पहाड़ चल सकता है, और जल में तुमको फेंकवाया तो तुम जीवित रह सकते हो, पहाड़ों से गिरवाया तो तुम्हारी रक्षा करता है, तो बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता है। बोले जब तुम नेवा खोलो ने तो मेरे को बुलाना। बोले राजकुमार ये तो ईंटों का भट्टा नहीं है, ये तो मटकी का पकाने का है, हो तो सुबह तक तो काम हो जाएगा, आप आओगे तब हम मटकी हटाएंगे। और पहला जो रंग रक्षक आए, हे भगवान हे राम हे हरि हे राम, आप बोलो हो हरिं परम हरि चाहे सो होई, रोक सके ना कोई, हरि ओ। राजकुमार आ गए ना, हाथ हाथ धो के एक एक मटका दोनों ने अलग करते 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 चारों तरफ के मटके हटे, बीच मटके दो पांच कच्चे और जो जिसमें बच्चे दिए थे म्याऊ म्याऊ करते हुए बाहर गए। प्रहलाद ने कहा अन्यथा कर तुम सकते हो, हरिओ लो बारिश कर दी, बूंदाबांदी कर दी, ले लो मजा, तेरी मर्जी, हम नहीं बोलेंगे रोको या करो, जो तो करेगा अच्छा है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दुनियादारी का ज्ञान तो बहुत है, आपके स्वरूप का ज्ञान तो आत्मा दुखी नहीं होता, दुख मन में आता है। दुखी यदि भवेत आत्मा का साक्षी दुखी नो भवेत, आत्मा अगर दुखी होता है तो दुख का साक्षी कौन है? आत्मा को आपको दुख नहीं होता, दुख मन को होता है, राग द्वेष बुद्धि में होता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में होती है, आपका आत्मा परमात्मा का सनातन अंश है। तो एक होता है आदि भौतिक जगत, उसको सच्चा मानकर जरा जरा बात में निगुरे लोग दुखी होते रहते हैं, सगुरे होते हैं लेकिन इतना दुख उनको नहीं पकड़ता जितना निगुरों को पड़ता है। तो आधी भौतिक जगत उसका विज्ञान कर्म में प्रेरित करता है, उसको सुविधापूर्ण बनाने में प्रेरित करता है, और उसका उपयोग करने में कोई मना नहीं है। इससे आगे चलकर आधी दैविक जगत है, आधी दैविक जगत में कर्म की प्रधानता नहीं है, आदि भौतिक जगत में कर्म की प्रधानता है, आदि दैविक जगत में उपासना की प्रधानता है, और उपासना में समय कम और फायदे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत शक्तियां आ जाती हैं। मैंने 40 दिन की उपासना एक बार की, 40 की दूसरे बार की,
ऐसी शक्तियां आई कि वो शक्तियां अभी बांटता रहता हूं और तुम चिपके बैठे रहते हो। ये आदि दैविक जगत, आदि भौतिक ताकत से मैं तुमको नहीं बिठा सकता हूं, लेकिन आदि दैविक जगत की ताकत से तुम छाते लेके भी बैठे रहोगे और खूब बरसे तो बिना छाते के भीगते हुए भी खड़े रहोगे। ये आदि जगत दैविक जगत का प्रसाद है। आदि दैविक जगत शिव की, विष्णु की, गणपति की, देवी देवता की उपासना का निमित्त बनकर अपनी मानसिक शक्तियां विकसित होती है, उसमें मन लगाना होता है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना तो बहुत सूक्ष्म बात बता दूंगा, थोड़ी मेहनत से सफलता होगी। शालिग्राम की पूजा में सफलता क्यों नहीं मिलती? शालिग्राम तो देखता गोल मटोल है और भावना करते विष्णु की, और भावनाओं में उतना दम नहीं जितना आदि भौतिक में दम है, इसलिए चमत्कार नहीं होता। एक आदमी गणपति की पूजा करता था और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लगा लगा तो 6 महीने 12 महीने साल 2 साल 6 साल बीत गए, गणपति जी के तरफ से कोई मदद नहीं मिली। उठा के अलमारी में रख दिया। हाँ, फिर शिवजी की उपासना चालू की, तेरे को कौन पूछता है, तेरे बाप को भजेंगे। हाँ, शिवजी के आगे धूप किया तो हवा उधर को जाने लगी, तो गुस्से में गणपति जी के नासिका में रुई घुस दी, गणपति की मूर्ति हंसने लगी। अरे बोले, अभी कैसे चेतन हो गए? बोले, अभी तुमने मेरे को सच्चा माना है, पहले तो मूर्ति मानता था बेटे। जड़ चेतन में मैं ही मैं हूँ, अब तुमने ये बात स्वीकार की। तो हम मूर्ति को मूर्ति मानते हैं, ऊपर से भगवान मानते हैं, इसलिए मूर्ति में के छुपा हुआ चैतन्य का चमत्कार नहीं देख सकते। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश माने तो तुरंत फायदा, लेकिन गुरु को बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और मानते हैं मनुष्य, इसीलिए गुरु भक्ति का चमत्कार नहीं दिखता, दिखता है तो थोड़ा सा। जो मन को मुक्त करने का सत्संग नहीं सुनता, उसके आगे राष्ट्र की मुक्ति करा दिया तो क्या जकमारा, राष्ट्र की मुक्ति क्या फायदा दे देगी? वही गुलामी की जंजीरें। अपनी व्यावहारिक भाषा में भी अंग्रेजी थोप रहे, मन मुक्त ही नहीं हुआ तो राष्ट्र मुक्ति भी विशेष फायदा नहीं देती। तो उपासना में भावना करनी पड़ती। तो आदि भौतिक में कर्म की प्रधानता है, आदि दैविक में भावना की, मन की प्रधानता है, और अध्यात्म में ध्यान की प्रधानता है। तो योग ध्यान से कई शक्तियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन आदि भौतिक, आदि दैविक और अध्यात्म, इन तीनों के परे है आत्मविज्ञान। उसमें कर्म भी नहीं चाहिए, उपासना भी नहीं चाहिए और योग वोग भी नहीं चाहिए, उसमें तो तुम्हारी तड़प और गुरु की कृपा बस हो गया काम। 7 दिन में ऐसी ऊंचाई को पहुंच गया के बाद चलो अलाउम सर, आप छुट्टी कराएंगे। हरि ओम हरि ओम। रेलगाड़ी वाले रेलगाड़ी ले आओ पूनम व्रत धारियों के लिए, तुम्हारे बीच से गुजरता हूँ। बरसात को काय को रोको और काय को बढ़ाओ, जो ईश्वर की मर्जी। अध्यात्म आने से आपको मैं सुखी हूँ दुखी हूँ ये भ्रम नहीं रहेगा, मैं पापी हूँ पुण्यात्मा हूँ ये भ्रम नहीं रहेगा, मेरा जन्म मरण होता है या मुझे मुक्ति मिले ऐसा नहीं होगा। मैं तो आत्मा हूँ, इन सब का साक्षी हम हैं अपने आप, हर परिस्थिति के बाप। रेलगाड़ी जल्दी लाओ। ओम। एक भोजन के 1 घंटा बाद 1 गिलास गुनगुना पानी मुंह में घुमा घुमा के पिए, कैसा भी मोटापा हो और आंखों के नीचे काली मां हो, वो सब गायब हो जाएगा और शरीर बढ़िया सुडोल हो जाएगा। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 ओम। रेलगाड़ी जल्दी,
हरि ओम 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 रेलगाड़ी जल्दी हरि ओम ओम प्रभु ओम प्यारे ओम आगे नहीं आएगी माया बैठ जाओ मैं सिक्योरिटी वाले
खाता हूँ। जाना छुट्टी शाम को देखा जाएगा, अपना काम हो गया। पैर छूना नहीं। हाँ,